हेलो स्टूडेंट्स आज हम नेक्स्ट फॉर्म डिस्कस करने जा रहे हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो कि है कंपनी आइए स्टार्ट करते हैं कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं कंपनी क्या होती है कंपनी ये वो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है जो कि क्रिएटेड बाय लॉ होती है जिसके पास एक सेपरेट एंटिटी होती है विद अ परपैचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील किसके अंडर आती है ये इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 फिफ्टी सिक्स के अंडर भाई इसके आगे कैरेक्टरिस्टिक से प्रॉपर हर एक पॉइंट को समझते हैं फर्स्ट है इनकॉरपोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो ये कंपनी है ये एक इनकॉर्पोरेटेड है और यू कैन से रजिस्टर्ड एसोसिएशन ऑफ पर्सनस है कोई भी इंडिविजुअल कल्ला इंडिविजुअल कंपनी फॉर्म नहीं कर सकता मिनिमम पर्सन सेवन चाहिए पब्लिक कंपनी बनाने में और प्राइवेट बनाने में टू मेंबर्स चाहिए सो so, एक कंपनी क्या है इट इज़ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन विच हैव मोर देन वन पर्सन जिसका एक से ज़्यादा पर्सन होता है और इसकी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होती है नेक्स्ट है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन एक कंपनी जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको एक लॉ ने क्रिएट किया है क्योंकि एक इनविजिबल इंडिविजुअल है जिसकी कोई बॉडी नहीं है कोई सोल नहीं है ना ही फिजिकल एक्शंस परफॉर्म कर सकती जैसे ह्यूमन बींग्स परफॉर्म करते हैं पर इसके पास सारे लीगल राइट्स हैं कुछ भी करने के लिए जैसे कैन होल्ड प्रॉपर्टी एज एन ऑनर मेंटेन इट और सेल इट एंड कैन राइट बिल ऑफ एक्सचेंज सो ये सारे के सारे फंक्शन से परफॉर्म कर सकते हैं सो so, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्योंकि इसके पास सारे लीगल राइट्स हैं ये ह्यूमन बीइंग नहीं है ये एक इंडिविजुअल नहीं है बट स्टिल इसके पास सारे लीगल राइट्स हैं नेक्स्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी जो कंपनी है वो अपने आ, ये एक सेपरेट है कैसे द एग्जिटेंस ऑफ द कंपनी इज सेपरेट और फ्री फ्रॉम इट्स मेंबर्स कंपनी कैन कीप प्रॉपर्टी इन इट्स नेम एंड एंटर इनटू एग्रीमेंट तो किसी के खिलाफ केस uh, फाइल भी कर सकती है और इसको कोई स्यूट भी कर सकता है पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन की तरह नहीं है जिसकी जिसमें जो मेंबर्स होते थे वो बाउंड uh, रहते थे मतलब अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती थी ना पार्टनरशिप में दोनों बिजनेस और उनको अलग नहीं माना जाता था बट इसमें अलग माना जाएगा कंपनी जो है ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है नेक्स्ट है परपैचुअल सक्सेशन जो कंपनी की लाइफ है वो ज़्यादा स्टेबल है काफ़ी वाकई ऑर्गेनाइजेशन से अगर हम कंपेयर करें तो क्योंकि अगर कंपनी में कोई भी आए जाए फर्क नहीं पड़ता कोई से भी मेंबर की अगर डेथ हो जाती है अगर कंपनी बैंक करप्ट हो जाती है सॉरी कंपनी नहीं अगर कोई भी शेयर होल्डर या डायरेक्टर बैंक करप्ट हो जाता है तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता कंपनी के ऊपर सो ये परपैचुअल सक्सेशन है एक ये बहुत तो एक सही चीज़ बोली गई है मेंबर्स मे कम मेंबर्स मे गो बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर मेम्बर्स आए या जाए पर कंपनी तो रहेगी ही रहेगी नेक्स्ट है लिमिटेड लाइबिलिटी जो लाइबिलिटी होती है शेयर होल्डर्स की लिमिटेड रहती है कहाँ तक वैल्यू ऑफ देयर शेयर्स वहाँ तक सो so, जितना मेंबर्स uh, का शेयर होगा उस हद तक उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगी नेक्स्ट है कॉमन सील एक uh, यहाँ पे किसी के साइन नहीं होते कंपनी में अगर कोई भी डॉक्यूमेंट साइन कराना हो एक प्रो कॉमन सील रखी जाती है uh, जो भी अगर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर स्टैम्प वगैरह चाहिए होगी तो कंपनी की सील लगनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सो uh, so, जिसके ऊपर कंपनी का नेम लिखा होगा सो so, एक कंपनी की एक कॉमन सील होती है नेक्स्ट है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स जो पब्लिक कंपनीज़ होती हैं उनके शेयर्स ईजिली फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं पर प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्शंस होती हैं नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट कंपनी मतलब ओनरशिप और मैनेजमेंट दोनों एक दूसरे अलग हैं कंपनी से Uh, ये बिल्कुल सेपरेट है कंपनी से द मैनेजमेंट में कौन इंक्लूड होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और ओनरशिप में कौन होते हैं शेयर होल्डर सो आप ये भी कह सकते हो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और शेयर होल्डर हैं ये सेपरेट हैं कंपनी से इनको सेपरेट ही माना जाएगा नेक्स्ट है रिस्क बियरिंग सोल ट्रेड में सारा रिस्क किसका रहता था उस इंडिविजुअल का जो ओनर होता था उसका पार्टनरशिप में कुछ इंडिविजुअल्स में वो रिस्क डिवाइड हो जाता था पर कंपनी में तो इतने सारे शेयर होल्डर्स हैं तो उसमें वो सारा का सारा रिस्क डिवाइड हो जाता है तो जो और जैसे कि ये कंपनी रिस्क उठाते हुए इतना हैजिडेट नहीं करती जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा प्रॉफिट ये तो बात है ही हो गया कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी आगे चलते हैं मैरिट्स ऑफ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या मैरिट्स है लाइबिलिटी क्या है लिमिटेड है किस हद तक लिमिटेड है वैल्यू ऑफ़ देयर शेयर्स मतलब शेयर होल्डर्स के शेयर्स की जितनी वैल्यू है वहाँ तक लाइबिलिटी क्या है लिमिटेड है नेक्स्ट है शेयर ट्रांसफ़र फैसिलिटी अगर पब्लिक कंपनी है अगर कोई भी शेयर होल्डर अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र uh, करना चाहता है तो वो कर सकता है नेक्स्ट है कंटिन्यू कंपनी तो कंटिन्यू ही रहेगी क्योंकि कंपनी अपने मेंबर से क्या है सेपरेट है अगर किसी भी मेंबर या शेयर होल्डर की डेथ हो जाती है बैंक करप्ट हो जाता है या तो या कोई भी रीज़न होता है पर कंपनी अपना चलती रहेगी नेक्स्ट है स्कोप फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन देर इज एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन इन अ कंपनी क्यों क्योंकि यहाँ पे सफिशेंट कैपिटल है सफिशेंट मैनेजमेंट कैपेबलिटी है लिमिटेड लाइबिलिटी है रिसोर्सेज अवेलेबल हैं हर एक फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइडेड है तो इसका ग्रोथ एंड एक्सपेंशन तो होनी ही होनी है नेक्स्ट है एफिशिएंट मैनेजमेंट कंपनी में मोस्टली वो एम्प्लॉज रखे जाते हैं मैनेजर्स रखे जाते हैं जो एक्सपर्ट्स होते हैं सो एफिशिएंट एंड एक्सपीरियंस मैनेजर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए और अगर कुछ एक एक्सपर्ट पर्सनस भी इसमें रखे जाते हैं कई बार अगर डिसीजन लेने में डिफ़िकल्टी आती है तो उन एक्सपर्ट्स का अप्रूवल लिया जाता है सो so, ये मैरिट्स हैं कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की नेक्स्ट चलते हैं आगे डी मैरिट्स ऑफ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं पहली डिफ़िकल्टी तो यही है कि इसकी फॉर्मेशन में डिफ़िकल्टी आती है बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं जैसे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन चाहिए होता है आर्टिकल ऑफ़ एसोसिएशन प्रोस्पेक्ट्स ये सब की ज़रूरत पड़ती है और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं डिपॉजिट कराने पड़ते हैं रजिस्ट्रार के पास ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल ऑफ़ एसोसिएशन परसपेक्टि के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में नेक्स्ट है लैक ऑफ सीक्रेसी अगर पब्लिक कंपनी पब्लिश करती है अपने अकाउंट्स को पब्लिकली काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स को रजिस्ट्रार के पास डिपॉजिट कराना पड़ता है उन डॉक्यूमेंट्स को कोई भी देख सकता है कुछ फीस पे करने के बाद सो so, कुछ सीक्रेट रहा ही नहीं सब कुछ तो सबके सामने है सो लैक ऑफ सीक्रेसी नेक्स्ट है लैक ऑफ मोटिवेशन ऑनरशिप और मैनेजमेंट तो हुई दोनों सेपरेट ही स्टार्टिंग से हमें पढ़ते आ रहे हैं जो ऑनर्स होते हैं कंपनी के शेयर होल्डर्स वो मैनेजमेंट किसको हैंड ओवर कर देते हैं कुछ शेयर होल्डर्स के ऊपर ही जिनको डायरेक्टर बना दिया जाता है और वो डायरेक्टर्स ही आगे सब कुछ देखते हैं वही अपॉइंट करते हैं किसको सैलरी देनी है कितनी सैलरी देनी है क्या किस चीज़ की नीड है तो so, एक तरह से जब कुछ डायरेक्टर्स ही सब कुछ हैंडल कर रहे हैं और जो शेयर होल्डर्स हैं वो तो अपना शेयर्स लेके कैपिटल इन्वेस्ट करके बैठ गए उनको तो बस अपना रिटर्न चाहिए सो so, वो एक मोटिवेशन वाली चीज़ नहीं रहती नेक्स्ट है एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल गवर्मेंट कंट्रोल भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है क्योंकि जो गवर्मेंट है वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर देती है डे टू डे एक्टिविटीज़ में कई लीगल रूल रूल्स बना देती हैं काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को प्रोवाइड करानी पड़ती है कंपलसरी ऑडिटिंग ऑडिट कराना पड़ता है पब्लिश करनी पड़ती है एनुअल अकाउंट्स को जिसकी वजह से कंपनी uh, को बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है नेक्स्ट है जिसकी वजह से कंपनी की एफिशिएंसी और फ्लैक्सिबिलिटी कम हो जाती है नेक्स्ट है डिले इन डिसीज़न सोल ट्रेड में तो बहुत ज़्यादा जल्दी डिसीजन लिए जाते हैं पार्टनरशिप में भी डिसीजन जल्दी लिए जाते हैं पर कंपनी में इतनी जल्दी डिसीजंस नहीं लिए जाते प्रॉपर मीटिंग्स बिठाई जाती है रेजोल्यूशन पास किया जाता है और उसके बाद ही कोई ना कोई डिसीज़न लिया जाता है नेक्स्ट है ओलीगार्जिक मैनेजमेंट uh, एक कंपनी जो है एक इंस्टीट्यूशन है जो किसके ऊपर बेस्ड होता है किस तरह के मैनेजमेंट मैनेजमेंट के ऊपर ओलीगार्जिक मैनेजमेंट के ऊपर यहाँ पे शेयर होल्डर्स कलेक्टिवली इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को पर रियलिटी में क्या होता है काफ़ी सारे शेयर होल्डर्स को यही नहीं पता होता कि कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ पर है या कंपनी में क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा सो so, काफ़ी सारे पर्सन जो अपना uh, काफ़ी सारे शेयर्स ले लेते हैं और रियल ऑनर्स बन के बैठ जाते हैं सो मोस्टली कंट्रोल किसका रहता है कंपनी के ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रहता है सो so, एक तरह से ये लगा लो देर आर ओनली अ फ्यू पीपल हु मैटर एंड द अदर शेयर होल्डर आर जस्ट पपेट्स नेक्स्ट है अमंग इन्वेस्टर्स ये एक रेगुलर सिचुएशन आती ही रहती है कंपनी में जब आपस में कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं क्लैश हो जाते हैं काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट जैसे शेयर होल्डर और डिबेंचर होल्डर्स होते हैं शेयर होल्डर्स क्या चाहते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंट मिले वे और जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं इनको ये डिज़ायर रहते हैं कि इनकी काफ़ी सारी मनी को रिजर्व में रखा जाए सो so, देयर इज अ रेगुलर कॉन्फ्लिक्ट अमंग द शेयर होल्डर्स एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड द मैनेजमेंट एंड दर्कर्स तो ये कुछ इसकी डिसएडवाटेजेस थी नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच टाइप ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन परपैचुअल सक्सेशन इज फाउंड कंपनी पार्टनरशिप सोल प्रोप्राइटरशिप ऑल ऑफ द अबब इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देना नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ बिजनेस टू टाइप्स की कंपनी सॉरी टाइप्स ऑफ कंपनीज टू टाइप की होती है कंपनी प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी क्या होती है जिसके शेयर्स जनरल पब्लिक को सोल्ड नहीं कर सकते नहीं बेच सकते इसके शेयर्स किस सेक्शन में आती है सेक्शन वन सॉरी सेक्शन थ्री वन एंड हैश टैग थ्री ऑफ द कंपनीज एक्ट नाइनटीन फिफ्टी सिक्स इसमें क्या है रिस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ मेम्बर्स टू ट्रांसफ़र शेयर इसमें मेंबर्स अपने शेयर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते नंबर ऑफ़ मेंबर्स कम से कम दो मेंबर्स होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा फिफ्टी नेक्स्ट है पुट अ बैन ऑन इन्वाइटिंग टू सब्सक्राइब शेयर एंड डिबेंचर एंड पब्लिक डिपोज़िट प्राइवेट कंपनी में ऐसा अलाउड नहीं होता कि वो एप्लीकेशन को इन्वाइट कर सके मतलब पब्लिक को इन्वाइट कर सके किसके लिए शेयर और डिबेंचर या पब्लिक डिपॉजिट्स में को सब्सक्राइब करने में नेक्स्ट है मिनिमम पेड़ अप कैपिटल कितनी है प्राइवेट कंपनी की वन लाख रुपीस और को अगर कोई भी कंपनी प्राइवेट है तो उसको अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लगाना पड़ेगा तभी वो कंपनी को प्राइवेट कंपनी माना जाएगा ये कुछ एग्जाम्पल हैं प्राइवेट कंपनी के पार्ले प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड यामाहा मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड हर किसी ने अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लगा रखे जो डिपेक्ट करता है जो बताता है कि हमारी कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है नेक्स्ट आते हैं पब्लिक कंपनी के ऊपर प्राइवेट में तो क्या था ईजली शेयर्स को सेल नहीं कर सकते थे जनरल पब्लिक को यहाँ पे फ्रीली बॉट एंड सोल्ड बाई मैंबर्स ऑफ द जनरल पब्लिक कि ईजली शेयर्स ट्रांसफरेबल हो सकते हैं किसमें आते हैं सेक्शन थ्री वन फोर में मिनिमम पेडअप कैपिटल कितनी है इसमें फाइव लाख रुपीज़ बल्कि प्राइवेट में कितनी थी वन लाख रुपीज़ इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स के लिए मिनिमम नंबर कितने हैं इसमें मेम्बर्स के सेवन मैक्ममम की कोई लिमिट नहीं है और प्राइवेट कंपनी में तो क्या वर्ड ऐड करना होता था प्राइवेट लिमिटेड पर पब्लिक कंपनी में सिर्फ खाली लिमिटेड वर्ड ऐड करना पड़ता है इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है एप्लीकेशन वग़ैरह इनवाइट करने के लिए या सब्सक्राइब करने के लिए शेयर्स डिपेंचर्स या पब्लिक डिपोज़िट्स को हो गया क्लियर नेक्स्ट एग्जाम्पल्स हैं पब्लिक कंपनी के अपोलो हॉस्पिटल स्टील ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ओ एन जी सी कोयल कोल इंडिया लिमिटेड पी एन बी पंजाब नेशनल बैंक ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं पब्लिक कंपनी के नेक्स्ट आते हैं डिफरेंस पे प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के डिफरेंस के कितनी पेड अप कैपिटल चाहिए होती है प्राइवेट कंपनी को मिनिमम वन लैख और और सॉरी प्राइवेट को वन लैख एंड पब्लिक को फाइव लैख कम से कम कितने मेंबर्स होने चाहिए प्राइवेट कंपनी में दो और पब्लिक कंपनी में कितने होने चाहिए सेवन मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होने चाहिए प्राइवेट कंपनी में फिफ्टी और पब्लिक कंपनी में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कोई लिमिट नहीं है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स प्राइवेट कंपनी में तो रिस्ट्रिक्शंस हैं शेयर को ट्रांसफ़र करने के लिए बल्कि पब्लिक कंपनी में ऐसा कुछ नहीं है ईश्यू ऑफ प्रोस्पेक्ट प्राइवेट कंपनी में क्या है प्रोहिबिटेड है और पब्लिक कंपनी में चीज़ फ्री है कितने डायरेक्टर होने चाहिए प्राइवेट कंपनी में कम से कम दो डायरेक्टर होने चाहिए पब्लिक कंपनी में तीन डायरेक्टर होने चाहिए कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इमीजिएटली आफ्टर इनकॉरपोरेशन प्राइवेट कंपनी में कैसे कमेंस कर सकते हैं बिजनेस को इमीजिएटली आफ्टर इनकॉरपोरेशन और पब्लिक कंपनी को कब कब कर सकते हैं हम जब सर्टिफिकेट मिल जाएगा तभी हम बिजनेस कमेंस कर सकते हैं स्ट्रेटरी मीटिंग प्राइवेट कंपनी में कोई ऑब्लीगेशन नहीं है बल्कि पब्लिक कंपनी में ऑब्लीगेटरी है ये चीज़ नेक्स्ट है क्यूरम प्राइवेट कंपनी में कितने मेंबर्स होने चाहिए इन द क्यूरम टू मेंबर्स और पब्लिक कंपनी में फाइव मेंबर्स मैनेजेरियल रेमुनरेशन प्राइवेट कंपनी में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है पर पब्लिक कंपनी में इलेवन परसेंट ऑफ नेट प्रॉफिट से ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होनी चाहिए रेमुनरेशन ये थे आपके चैप्टर प्राइव कंपनी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ईजी चैप्टर है आपको ईजली क्लियर हो गया होगा और ये सबसे ज़्यादा बेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है एक तरह से कंपनी ऑर्गेनाइजेशन मेन मेन पॉइंट्स मैंने आपको कराई दिया है इवन इतना इसमें मटीरियल है कि आप अपने पेपर में इसको ईज़िली लिख सकते हो और आपको कॉन्सेप्ट इजली याद रहेंगी क्योंकि मेन चीज़ है आपको समझना है और मेन पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए है, हैडिंग बनाने के लिए पॉइंट्स पता होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर पॉइंट्स पता होंगे तो अंदर का कॉन्सेप्ट आप इज़ली लिख सकोगे वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना हमारे चैनल को एल टू एस लर्न टू सक्सीड थैंक यू फॉर वॉचिंग